नमस्कार अर्गस अपडेट सहित अपूर्व बुलेटिन आरंभ करिबा हेडलाइन सह राज्य आगे चली कोरोना टीकाकरण कार्य प्रथम पर्याय टार्गेट पूरण पर टीकादान केन्द्र बढ़ाई सरकार एवं आज आहुरी आसिबो कोविशील्ड टीका ढेंकानाल हाथी आक्रमण बाबंध गांव में प्रातः भ्रमण बेले जनक दलीदेला हाथी घटनास्थल में वृद्धों मृत्यु हाथी घोड़ाइबारे विफल वन विभाग राज्य में थमुनी लज्जा बलांगीर दिव्यांग नाबालिका दुष्कर्म हॉस्पिटल निकटे आहार केन्द्र कर्मचारी नाँ अभोग न्याय पर उपजिलापा द्वारस्थ सेपटे बालेश्वर नाबालिका टेकि नहीं दुष्कर्म अभोग आरटीओ ऑफिस रे टेंडर फिक्सिंग केलेंकारी आईपी कैमेरा किनारे परिवहन कमिश्नर संप्रक्त अभोग निर्दिष्ट कंपानी को अनुकंपा दुईट संस्थान जड़े लोक कर आवेदन केन्द्रापड़ा राजनगर में बाली माफिया राज तागिद कर तहसिलदारों घर को पेट्रोल बोमार आक्रमण पुलिस सुरक्षा लोड़े प्रशासनिक अधिकारी एवं सुधा गिरफ्तारी ओडिया पुओ चंडी प्रसाद महांती बड़ दायित्व प्रथम ओडिया भाव सेना उपमुख्य निजुक्त एसके साइनी दायित्व ने चंडी प्रसाद महांती जानुरी 31 अवसर ग्रहण करते एसके साइनी भारतीय वैक्सीन पछे इमरान सरकार महामारी वैक्सीन बिना पाकिस्तान बेहाल भारत को मागिबा को नहीं चिंतार इमरान वैक्सीन पाइबा को पाक घर फार्मा कंपानी मान उद्यम एवं नुआ शैली में साइबर ठके कस्टमर केयर नारे आसीथिला गफर व्यक्तिगत तथ्य देबा परे अकाउंट रु 2.5 लाख सफा ठकेर शिकार कलाहांडी भवानीपाटनार वरिष्ठ नागरिक देखा संपूर्ण खबर राज्य में कोरोना टीकाकरण जोरसोर से चली बेले आज पहुंच द्वितीय दफा कोरोना टीका आज राजधानी भुवनेश्वर 3,34,500 डोज कोविशील्ड टीका पहुंचे सूचना मिली पूर्व पुणे स्थित सेरम इंस्टीट्यूट्रु राज्य को 4,08,000 कोविशील्ड टीका आसी द्वितीय दफा कोरोना टीका पहुंचा पर राज्यर समस्त स्वास्थ्यकर्मी और आगधाड़ी कोविड योद्धा टीकाकरण हो पार बोली सरकार आशा रखिंट तेणु प्रथम टार्गेट ग्रुप्र टीकाकरण आगामी 25 तारीख सुधा शेष करने को लक्ष्य रखाई टीकाकरण अभियान को त्वरान्वित धार्य लक्ष्य हासिल मोट 1698 सेसन में टीकाकरण करने को स्थिर कर स्वास्थ्य विभाग आज 192 सेसन आसंका 92 सेसन गुरुवार 436 सेसन शुक्रवार 141 सेसन शनिवार 178 और रविवार विरति पर आगामी सोमवार पुणी 279 सेसन में टीकाकरण करा को स्थिर हो दंता आक्रमण में वृद्धों मृत्यु मृतक होती ढेंकनाल जिला हिंदुल ब्लॉक गंजरा ग्रामर निरंजन साहू आज भोर समय रे से प्रातः भ्रमण में जाता बेले एक दंता हाथी आक्रमण कर फल घटनास्थल मृत्यु हो बारंबार ढेंकानाल रे हाथी आतंक लागी रहिथिबा बेले वन विभाग हाथी घोड़ाइबारे फेल मारिछे सबडे हाथी आक्रमण रे महिलांकर मृत्यु मृतक जनक रामेश्वर ग्राम पंचायत खजुरीपड़ा ग्रामर साइरुन बीबी सैरुन घर बाड़ीपट को जाता बेले दंता हाथी हाबुड़ में पड़ते दंता सैरुन को टाणी नहीं पादरे दली मारिदे अभियोग जंगल विभाग कर्मचारी मृतकों पर भेटी नोकों मध्य असंतोष देखाई दीर्घ 4 मास एक हाथी पल खोर्धा वनखंड टांगी रेंज में व्यापक परिमाण धनजीवन नष्ट बेले हाथी को जंगल मध्य घोड़ाइबारे जंगल विभाग फेल मारी फल स्थानीय लोकों मध्य असंतोष देखाई हाथी उपद्रव दीर्घ वर्ष होगा लगि रही रामेश्वर पंचायत या आखपाख अंचल भी लगि रही वन विभाग जो कार्य करुच्ची ता सफल भाव कार्यकारी होना फसल वाला नष्ट फसल वाला मिलूना पैसा तर प्राप्य मिलूना से मैंने दरखास्त कर बस रही से आम अभोग करना गत वर्ष आगे प्रशासनिक आक्रोशर शिकार होती रायगढ़ बस्ती बासिंदा सहर में प्राय 52 रु ऊर्ध बस्ती रही बेले हजार हजार संख्यार लोके उक्त बस्ती में बसवास करुंतु अनेक समय से प्रशासनिक आक्रोशर शिकार होगा पड़ुए
सरकारी स्थान में जनबसति स्थापन होइथिबारु अनेक समय रे प्रशासन पक्षरु जबरदखल उच्छेद करा छै आउ एभली स्थले लोके नाही नथिबार असुविधा सम्मुखीन होउछेंति बोली अभियोग करिछि रायगडा नगर बीजेपी तेबे सेमानकु थैथान करबा दाबी नै दल पक्षरु जिलापालक कार्यालय आगरे विक्षोभ प्रदर्शन कराजिबा सहित एक दाबी पत्र प्रदान करा जाय छै स्थायी पट्टा नथिबा जोगु बस्ती बासिंदा नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछेंति बोली अभियोग करिछि बीजेपी कलाहांडी रे साइबर ठकंक दौरात्म्य जने वरिष्ठ नागरिक को फोन कस्टमर केयर ना रे फोन करी ठकी नेछंती लक्षाधिक टंका फोन करी प्रथमे विभिन्न ऑफर कथा कहिथिले ठक आ से कहिबा अनुसार जीवा परे अकाउंट रु खाली होई जाइथिला लक्षाधिक टंका कस्टमर केयर नारे ठके ऑफर देबाकु कहि पर्सनल डिटेल्स मागी ठकी देउछंती ठक केई मिनिट भितरे खाली होई जाउछि अकाउंट कलाहांडी भवानीपाटणारे 2,65,000 टंकार ठकेइ शर्मा कॉलोनी वरिष्ठ नागरिक गंगाधर सुबुधी को शनिवार दिन 12 जिओ फोन कस्टमर केयर नारे फोन करिथिला ठक प्रॉब्लम अछि कि पचारी बुझबा सह सॉल्यूशन देबाकु मागिथिला व्यक्तिगत तथ्य एहा परे नुवा वर्ष पई मागणा ऑफर अछि एवं 20,000 टंका मध्ये कैश प्राइस होइछ बोली कहिथिला ठक इंस्ट्रक्शन फॉलो कला परे गंगाधर को अकाउंट रु गूगल पे जरिया रे 20,000 लेखाए 5 थर रे 1,00,000 टंका एवं बैंक अकाउंट रु 45,000 टंका खाली हो जाइतला केवल एति कि नहि ताको स्त्री को अकाउंट रु मध्ये 1,20,000 टंका ठकी नेतला ठक मते से भीतर गोटे एनईटीएस को ऐप गोटे डाउनलोड करते बोलला से ऐप उपर मोर किछ धारणा नथला डाउनलोड करे पे मोर कहले सेटा डाउनलोड कर दे डाउनलोड हेला परे से गोटे कोर्ट टेक मैकिंग आसला से कोर्ट के मध्ये दे दे ତାପରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସେ ଚାଲିଲା ପାଖରେ ମୋତେ କୌଣସି ଓଟିପି ମାଗିନି କି ସିଲିପି ମାଗିନି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓଟିପି ବି ଆସୁଥାଏ ମୋ ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ସେୟାର କରିନି ସେଠୁ ମୁଁ ସେ ବି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଓଟିପି ମୋତେ କିଛି ସେୟାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଫେରସ୍ତ ନାହିଁ ଆପଣ ପଇସା କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମୋଟ 2,65,000 ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାଇବର ସେଲ୍କୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଜଣାଇବା ସହ ଭବାନୀପାଟଣା ଠାଉଁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଟେଲିଫୋନ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ସବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ 2,67,000 ଡିଡକ୍ସ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରୁଛୁ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 13 ଡେଟେଡ୍ 9/2021 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 419 420 ଏବଂ ITI ଆକ୍ଟ 66 CMD କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର୍କୁ ଆମେ ଲେଖିଛୁ ତାର ତଥ୍ୟ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସିଥିଲେ ଲାଞ୍ଚିଗଡ଼ର ଯୁବକ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ କାହିଁକି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଉନି ଏଥିପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅବହେଳା କାହିଁକି କଳାହାଣ୍ଡି ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଏହି ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି 4 ପୂର୍ବରୁ ଭାଇକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିବା ବେଳେ ଏ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାବାଳିକା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ନିର୍ଯାତନା ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ସଙ୍ଗୀନ ଦେଶରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ନିର୍ଯାତନା ହାର 8.1% ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା 13.7% NCRB ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2018 37 ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ସେପଟେ ନୀଳଗିରି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ସହିତ ନୀଳଗିରିରୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କଳା ପଲ୍ସରରେ 2 ଯୁବକ ଆସି ଟେକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ନୀଳଗିରି ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି
सरकारी सहायता पर राति तमाम धारणा पूरी डेलांग तहसिल कार्यालय सम्मुखर आसला अभावन दृश्य खोला आकाश तले राति तमाम धारण में बसी दुईज महिला जड़े फनी सहायता पर गुहारी करुवा बेले अन्य जड़े फसल क्षयति सहायता दाबी से धारण में बसी माछपड़ा ग्रामर विजयलक्ष्मी प्रधान घर फनी में भांगिजापर सहायता पर तहसिलदार जिला प्रशासन पर्यंत धाई धाई से निराश होती शेषे सहायता पर राति तमाम तहसिल कार्यालय सम्मुखें धारण में बसी जेनापुर ग्रामर सस्मिता महांती अढ़े एकर धान जमी नष्ट होता बेले सहायता पर निवेदन कर आशा परवर्त खबर को चाषी मारणा नीति प्रतिवाद रे कुचिंडा बीजेपी पक्षर उपजिलापा कार्यालय सम्मुखें सात दिन हेब रिले अनशन जारी रही है। कुचिंडा उपखंड में धान किणार व्यवस्था आवश्यक धान संग्रह टार्गेट लैब्स टोकन कार्यक्षम धान बिक्री वंचित चाषी को टोकन प्रदान आदि दाबी नहीं कुचिंडा बीजेपी पक्षर विभिन्न समय विभिन्न प्रकार आंदोलन करुवा बेले उपखंड विभिन्न रास्ता अवरोध करते जमनक्रिया ब्लक सेंडपथर ठारे दीर्घ 40 घंटारु अधिक समय धरी जातीय राजपथ अवरोध होता बेले जोगाण अधिकारी लिखित प्रतिश्रुति पर यह आंदोलन ओहरी बीजेपी कर्मी लिखित प्रतिश्रुति दाबी पूरण न होवारु पुणी थरे कुचिंडा उपजिलापा कार्यालय सम्मुखें रिले अनशन सात दिन हेब जारी रही। तो सीधा सलख नहीं चलु कुचिंडा अच्छा प्रतिनिधि सौम्य रंजन सौम्य सात दिन हेब बीजेपी रिले अनशन जारी रही एपर्यंत प्रशासन तरफ कौन प्रतिश्रुति प्रशासनिक अधिकारी पहुंची कम से कम आलोचना कले एपर्यंत ना एपर्यंत प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल में पहुंची ना भावे देखो पूर्व जो कथा कहवा आज कुचिंडा उपखंड में आज जो आंदोलन जारी रही है बीजेपी पक्षर कुचिंडा उपखंड चाषी समस्या नहीं कि आंदोलन आज सात दिन में पहुंचे कौन सी अधिकारी बर्तमान आंदोलनकारी पाखक आसी ना कि कौन सी प्रतिश्रुति सीधा चित्र आप देखा चाहिए ये आंदोलनकारी मैंने बर्तमान बस बसवा भितर आज को सात दिन बीती गले रातर एटे शोट बर्तमान पर्यटन उपजिलापाल कार्यालय सम्मुखें जो बसंत बसी आज कौन से अधिकारी आसी ना देखते जो चाषी मार नीति प्रतिवाद में भारतीय जनता पार्टी पक्ष दीर्घ सात दिन हम रिले अनशन आरंभ हो कितु खाली अनशन नुए अपर पक्ष कथ कह चाषी मार नीति प्रतिवाद चाषी को दस्खत अभियान आरंभ कर देखो चाषी मैंने सीधा सख आस दस्खत करते विभिन्न प्रकार प्रशासन विरुद्ध कथ कहतु सरकार विरुद्ध कथ कहतु अनेक मैंने दस्खत संग्रह कर बीजेपी कर्मी अच्छे आलोचना करने को जानवाक चाहिए आज्ञा आज आप आंदोलन सात दिन में पहुँचलानी घटनास्थल को किए आपन सहित आलोचना करने कौन कहे देखु सार बड़ दुखर कथा आज सात दिन धरी ये आंदोलन दिवारात्रि चौबीस घंटा रहा सत्वे ना तो सरकार कौन सी लोक ये लोकप्रतिनिधि ना आपण प्रशासन तरफ कहीं ये आसी कथा शुणापी बड़ दुखर कथा आज्ञा जो दीर्घ 22 वर्षर शासन पर भी नवीन सरकार चाषी मान समस्या को आज पर्यंत समाधान कर पारे प्रत वर्ष आपणकर टोकन लैब्स प्रत वर्ष आपणकर चाषी मान धान किणारे दुर्नीति गोटे बड़ समस्याटा को 22 वर्ष समय देलापर भी आज ओडिशार मुख्यमंत्री एतार प्रति कर्णपात करूना चाषी मैंने मंडी में हजार हजार बस्ता धान पड़ रही आठी चाषी मैने वृद्धा महिला मैंने 69-70 वर्षर आपणकर चाषी मैने राति से देह खराब हो खावा पीबार व्यवस्था नहीं मंडी में विभिन्न प्रकार समस्या थिबा सत्वे चाषी मैने कौन सी प्रकार आपणकर अहिंसात्मक पंथा अवलम्बन न करी आंदोलनरत अच्छा
निहाती भाव में देखो अपूर्व जी आग विगत दिन कथा कहे जो बीजेपी पक्षर विभिन्न रास्ता अवरोध करता रास्ता अवरोध 40 घंटा पर प्रशासन अधिकारी मैंने प्रतिश्रुति लिखित प्रतिश्रुति आपको धान तीन दिन मध्य उठ तीन दिन गला पांच दिन गला आज अनेक दिन बीच जाइए प्रशासन प्रतिश्रुति रही बेले कौन प्रकार प्रतिश्रुति पालन होता परिलक्षित होते अंपटे जो कह आसंता आम सीधासल मंडी सीधा प्रसारण करूँ लोकों समस्या चाषी समस्या सीधा देखी और रात जो चाषी रास्ता शोचार तार देखा मिलता आम सहित किसी आंदोलनकारी अच्छे आगे आप जो युवनेता आंदोलन सामिल होते सर्वप्रथम आंदोलन देते कौन होता है से घटना आज को अनेक दिन भितर प्रशासन प्रतिश्रुति पालन है देखो ये सात दिन है बस आगू आम रास्ता रोग भी करूँ बर्तमान पर्यंत प्रशासन आड़ गोटे कई कह भी आसी ना कहीं बसीच बोली पचार आसी ना मु तो धन्यवाद देवी प्रशंसा कर नवीन बाबू को से नंबर वन मुख्यमंत्री हेले चाषी विरोधी से नंबर वन ओडिशा रे नारी मृत्यु रे नंबर वन सबुआड़ तल आड़ नंबर वन केमी से नंबर वन मुख्यमंत्री बिलकुल तो आम जो आंदोलन कले आंदोलन कला बर्तमान कहीं आसी ना बाबा घटना कौन हो नहीं देखो कहीं जड़े भी आसी ना प्रशासन पक्षर गोटे मात्र लोक भी आसीनि जे कौन पाई बसीच एटी आम पाखापाखि हजारे उपरे चाषी दस्खत दे राष्ट्रपति महोदय को प्रतिदिन एठु 20-30 पोस्ट कार्ड चिठी जाऊँगी जो अनशनकारी मैंने बसुंस मन कथा लिखिक पठाऊँच बहुत गुड़े चाषी मान झ बागर अच्छी कौटू लोन आणिक चाष कर पैसा सुझार अच्छी चाषी धान बिलकुल मंडी में पड़ी रही मंडी में आम तो ये बसचु कि मंडी में भी शह शह चाषी हजार हजार चाषी बस बहुत बस्ता धान पड़ी रही निहाती भाव में अपने देखते कुचिना उपखंड बर्तमान मंडी में लक्षाधिक धान पड़ी रही बेले प्रशासन कहीं तत्पर देखा कहीं टारगेट प्रदान कर चाषी मैंने धान बिके कहीं टारगेट प्रदान चाषी मैंने समस्या सम्मुखीन होता बेले प्रशासन एप्रति आद दृष्टि देना सेपटे बीजेपी तरफ सात दिन धरी रिले अनुष्ठान जारी रही बेले प्रशासन रीत एपर्यंत भांगुना प्रशासन बेखियाल बेफिकर भाव आंदोलन को देखुले कि भाव आंदोलन समाधान होशी मैंने जो सम्मुखीन समाधान जो समस्या सम्मुखीन होती कि समाधान से नहीं जिला प्रशासन तरफ कौन प्रयास देखा जाऊ ना बहुत बहुत धन्यवाद सौम्य रंजन आम प्रतिनिधि जी ने पूरा अपडेट देखते बीजेपी को कृषक विरोधी बोली प्रमाणित करने सांघातिक षड्यंत्र कृषक आंदोलन राजनैतिक फायदा उठाइबा हताश राजनेता मानक जघन्य कारनामा दिल्ली बीजेपी ऑफिशियल लेटर हेड को नकल करी कृषक विरोधी मंतव्य लिखा सहित सोशल मीडिया रे वायरल करा जाउछे ए प्रकार षड्यंत्र पछरे कहार रही हाथ ए घटनार पर्दाफाश पई पुलिस रे दिया जाई छेतला कृषक आंदोलन को नहीं बीजेपी विरोध में अपप्रचार बीजेपी कृषक विरोधी बोली प्रमाणित करने सांघातिक षड्यंत्र दिल्ली बीजेपी ऑफिशियल लेटर हेड रे कृषक विरोधी मंतव्य लिखि सोशल मीडिया रे वायरल कृषक मानंकु हिंसा पई उस्काउछंती विरोधी षड्यंत्रकारी घटनार पर्दाफाश पई पुलिस रे इतला बीजेपी को कृषक विरोधी बोली प्रमाणित करने सांघातिक षड्यंत्र कृषक आंदोलन राजनैतिक फायदा उठाइबा हताश राजनेता मानंकर जघन्य कारनामा बीजेपी नारे अपप्रचार करी केंद्र सरकार एवं कृषक नेतामानक मध्यरे चलितबा आलोचना को भंडूर करिबा को अपचेष्टा चलाइछंती विरोधी दिल्ली बीजेपी रा ऑफिशियल लेटर हेड को नकल करी कृषक विरोधी मंतव्य लेखिबा सहित सोशल मीडिया रे करा जाउछि वायरल सूचना अनुसार दिल्ली प्रदेश बीजेपी रा लेटर हेड रे एक चिट्ठी लेखा जाइछि बीजेपी कर्मी एवं समर्थकों उद्देश्य रे जेउंथरे 26 जनवरी रे कृषक मानक द्वारा हेबाकु थिबा ट्रैक्टर राली को नहीं अनेक नकारात्मक मंतव्य लेखाजिबा सहित हिंसाकांड भियाइबाकु दिया जाइछि संदेश चिट्ठीटी लेखा जाइछि दिल्ली बीजेपी कार्यालय मुख्य राजेश भाटियांक नारे जनवरी 15 रे लेखा जाइथिबा एई चिट्ठीटी एबे सोशल मीडिया रे वायरल हेबा सहित विभिन्न लोकंक पाखकु फॉरवर्ड करबा देखा जाउछि तेबे एपरी षड्यंत्र रचिथिबा विरोधी जेउ भूल करिछंती ताहाई धरा पकेई देइछि सेवानंकर उद्देश्य
राजेश भाटिया जने बीजेपी नेता हेले मध्ये से दिल्ली बीजेपी रो कोनोसी पद पदवी रे रहंती मात्र लेटर हेड नकल कराजिबा सहित भाटियांक दस्तखत को मध्ये नकल कर दिया जाय छे। बीजेपी कर्मी एवं कृषकंक मध्ये रे हिंसाकांड सृष्टि पई करा जाय छे हिन उद्यम। तेबे प्रश्न उठुछि ए प्रकार षडयंत्र पछरे रहिछि कहार हात। सरकार एवं कृषकंक मध्ये रे आलोचना चलिथिबा बळे क्यों भित्तिर उद्देश्य रे रचा जायछि एपरि षडयंत्र। कौनसी प्रकार हिंसाकांड घटिले कहार पूरण हेबो स्वार्थ ए प्रश्न एबे समस्तंक मनरे आसुथिबा बळे घटना पछरे कहार हात अछि जानिबा पई राजेश भाटियांक तरफरु दिल्ली राजेन्द्र नगर थाना रे एतला दिया जायछि। तदंत परे पदाकु आसिब षडयंत्रकारीक भित्तिर उद्देश्य। केन्द्र सरकार एवं कृषक नेतामानक मध्ये विभिन्न पर्यायर आलोचना विफल हेबा सत्वे समाधान पई दुई पक्ष मध्ये चेष्टा जारी रहिछि। सरकार कृषकंक प्रति संवेदनशील रहिबा सहित आलोचना माध्यम रे समस्यार समाधान पई समस्त दिग खोला रखिछन्ति। ए परिस्थिति रे कृषक आंदोलन को समर्थन देबा आळरे विरोधी माने निजर हीन राजनैतिक एजेंडा को कार्यकारी करिबा पई जालियातिर आश्रय नेबा निश्चय दुर्भाग्यजनक बोली कहा जाई पारे। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आशा प्रति खबर को 57 दिन में पहुंची एएनएम कर्मी धारणा साधारणतंत्र दिवस उपलक्षे स्थगित रखिंट धारणा पुणी 27 तारीख लोअर पीएमजी में चलो धारणा स्थायी निजुक्ति दाबी रे राजरास्तार गला 57 दिन धरी पड़ रही कोविड योद्धा। राज्य सरकार तरफ एपर्यंत कौन आलोचना करे के भाव से समस्या समाधान से नहीं उचित दृष्टि दि जाऊन बारंबार अभियोग करोड योद्धा सीधास्थल नहीं चलु लोअर पीएमजी अच्छा प्रतिनिधि कविता स्वाई। कविता 57 दिन में पहुंची एएनएम कर्मी धारणा ता पुणी साधारणतंत्र दिवस पर स्थिर कर धारणा को किसी दिन स्थगित रखे अपडेट कौन बर्तमान धारणास्थल जदि कह कि 57 दिन धरी राज्य रास्तार लोअर पीएमजी रो जो रास्ता रही से ही धारण में बसले एएनएम कर्मी माने किंतु गोटे दाबी से स्थायी निजुक्ति आमको दि जाऊ आम यग छाड़ी चली जीव किंतु सरकार से सहित आलोचना करन कि पचरा उचरा करने आस नदी कह आज 57 दिन पर जेहेतु साधारणतंत्र दिवस आउ किद से उठापी बारंबार नोट दि जाइला लोअर पीएमजी से उठापी जो नोट आसी आलोचना करते आलोचना करने गोटे निर्देश मैंने बाहर करणतंत्र दिवस से जगार उठी तापर स्थगित रखे कि स्थगित रखे से धारणा को तापर पुणी 27 तारीख रु आरंभ हम सेना धारणा कौन रही जो धारण उठे पुणी 27 रु बसवाई पुणी धारणा रही जिला मान पुणी धारणा देवे कौन रही टोटाल आमर अलरेडी 56 दिन है आम धारण में बसीलु पुलिस भी आसिक आमको बहुत थर नोटिस कले कि ना तुम्हें उठी जाओ तुम धारणा बर्तमान एत दिन हो गलामर कोरोना आमको हो जाऊँगी बहुत नोटिस कले कि आम उठू नु जेहेतु आम ये बसीचु तो आम दाबीटा पूरण ना आम के उठबुनु कि आगुक जेहेतु साधारणतंत्र दिवस आसूँ नवीन सरकार को आम बहुत भल पाऊ सरकार होमर आम बाछीचु तो नवीन सरकार को सम्मान जनई साधारणतंत्र दिवस को सम्मान जनई आम चाहूनु आम ये बसिले साधारणतंत्र दिवस बंद हो जाऊ बोली तो आम साधारणतंत्र दिवस को सम्मान जनाऊु नवीन सरकार सार को भी सम्मान जनाऊु तो तांकर को सम्मान जनईकि साधारणतंत्र दिवस टी केमी भल भाव पालन हम सब लोग आम एकाठी हे पता भल भाव उत्तोलन हम मंदिर उत्कल जननी गान करा तो यही सब कुछ नहीं आम धारणा को आंदोलन को स्थगित रखुचु आम अलग जगह पैसा जेहतु पिला एत दूर आसी आम ये दिन है पड़ी रु अलग जगार आम निजे पैसा पत्र खर्च करके पिलांकर थैथान व्यवस्था करूँ किंतु आम 27 तारीख में जानुरी 26 सरलापर 27 तारीख में आम आसी पुणी लोअर पीएमजी छक जिते दिन जाए आम दाबी पूरण न होते दिन जाए सरकार आम कथ न शुणी आम अनिर्दिष्ट काल धारणा देव आउ गोटे कथा आमर एटी जी पिला अच्छा अलग आमर जो जिला ब्लक स्तर में भी पिला अच्छा आम आंदोलन को तीव्रतर करूँ जिला आउ ब्लक स्तर में 27 तारीख पर ठारू से शांतिपूर्ण भाव में धारणा देवे आम 27 तारीख पर
ସରକାରଙ୍କର ସପକ୍ଷ ନେଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ। ଯେଉଁଠି 57 ଦିନ ବା 56 ଦିନ ହେଲାଣି ବସିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ କାକର ଶୀତ କାକର ସହିକି ଯେଉଁଠି ସରକାର ଶୁଣିଲେନି, ଯେଉଁ 27 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଆସିକି ବସିବେ, ପୁଣି ଧାରଣା ଦେବେ, ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବେ, ସରକାର ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 26 ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ହିଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ୁଛୁ। ତ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଯଦି ସରକାରଙ୍କ କଥା ମାନୁଛୁ, ସରକାର କାହିଁକି ଆମ କଥା ମାନିବେନି? ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏ ଯାଏଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହାରିନୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ବି ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିବେ ବା ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ? ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେ ସିଟୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେଠି ଆମେ ରହି। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ସ୍ଥଳରୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆଜିକୁ 57 ଦିନ ଧରି ଧାରଣା ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଭଳି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହାର କେଉଁଭଳି ସମାଧାନ କରାଯିବ। ସେପଟେ 27 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଥରେ ANM କର୍ମୀଙ୍କ ଧାରଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ANM କର୍ମୀ ନିଜ ଧାରଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।